सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अक्ति के मेरे यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? तो आज हम लोग वापस से खेलने जा रहे हैं माइनक्राफ्ट और करने जा रहे हैं एक और नया चैलेंज। सो आज मैं बहुत दिनों बाद वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि घर में कुछ प्रॉब्लम थी, मतलब काम वगैरह चल रहा था तो वीडियो रिकॉर्ड करने का समय नहीं मिल रहा था। तो इस चैलेंज में हम लोग करने क्या वाले हैं, इस चैलेंज में हम लोग काऊ का मिल्क लेंगे तो काऊ ओपी आइटम ड्रॉप करेगी। माइनक्राफ्ट का सबसे पहला काम हमेशा से लकड़ी तोड़ो, सबसे पहला काम। लकड़ी तोड़ने के बाद हम लोगों को आयरन ढूंढना पड़ेगा क्योंकि आयरन ही मतलब उससे हम लोग बकेट बना सकते हैं, बकेट से ही तो मिल्क लेंगे यार, ऐसे हाथ में थोड़ी ना ले लेंगे। ये देखो हमारे सामने लाइव शिकार होने जा रहा है, मतलब ये वुल्फ उसको खाने जा रहा है, इसको क्या बोलते हैं फॉक्स। अरे भाई ये खा लेगा कि नहीं इसको? लेकिन मैं खाने दूंगा नहीं ना। अरे अरे भाई मेरे ऊपर हमला करेगा तू, ये ले, पहले से ही मर मुर के आया था, आके मर गया मेरे पास वापस से। सो अभी चलते हैं थोड़ा सा स्टोन माइन करते हैं, स्टोन माइन करके स्टोन का टूल बनाएंगे तो भी तो आयरन लेंगे भाई, आयरन लेना ज़रूरी है वरना बकेट नहीं बनेगी। सिर्फ और सिर्फ 3 आयरन चाहिए, अपना काम बन जाएगा। सो अभी टूल तो बन गए हैं लेकिन अब किधर चलना है कुछ आइडिया नहीं है, किधर जाएँ, इधर जाएँ कि उधर जाएँ। और यहाँ पर एक पिक घूम रहा है, सोच रहा हूँ इसको निपटा देते हैं। चलो छोड़ो, रहने दो, अभी नहीं खाएंगे खाना। अरे भैया कोई केव तो मिल जाए एक। ओके, तो हम लोग कितनी दूर से घूम के आ चुके हैं लेकिन कुछ मिला नहीं, और भूख देखो कितनी तेज लग रही, हंगर बार पूरा डाउन हो गया है। अभी हम लोग खरगोश को मार रहे हैं और खरगोश को मारते मारते हंगर बार और भी ज़्यादा डाउन हो जाएगी। मुझे पालू में केवल 2 खरगोश को मार पाए हैं और तीसरा भी मर गया। चलो मैं तो सोच रहा हूँ पोलर बियर को भी निपटा देते हैं, इससे बहुत सारी मछलियाँ मिलती है ना, मुझे लगता है 3 या 4 मछलियाँ मिल जाएंगी एक पोलर बियर को मारने से। पोलर बियर को मारते हैं इससे ज़्यादा फायदा है, लेकिन ये अगर मुझे मारेगा ना तो मैं एक ही बार में चला भी जाऊंगा, बहुत ही तगड़ी हेल्थ खाता है। चलो मार दिया भाई, पोलर बियर मार दिया मैंने, और अच्छा हुआ दूसरे ने देखा नहीं वरना पीछे लग जाता। सो अभी कम से कम 2 रैबिट कुक्ड फूड तो है यार, कम से कम यही खा लेते हैं और क्या कर सकते हैं। उधर से मैं जब आया था कितने सारे पिग और शीप दिख रहे थे लेकिन किसी को मारा ही नहीं। सो ये मछली खा के अपने सफ़र पर वापस निकलते हैं और देखते आयरन मिलता है कि नहीं। अबे भाई क्रीपर कैसा घूर रहा है मुझको, अबे वहीं से खा जाएगा क्या? अबे भाई यार क्रीपर से बचना मुश्किल लग रहा है मुझे, बिल्कुल खड़ा है कायदे से। अबे फट रही हो मात, फटी हो मात, अरे बच गया, बच गया, शील्ड की तरह लग गई है आगे की 2 डर्ट है। ओके एक आयरन मिल गया, एक नहीं यहाँ पे मुझे लगता है 3-4 आयरन मिल जाएंगे। अरे भाई अरे एक ही मिला, अबे साले इतना नचाया केवल एक आयरन के लिए, तो और भी आयरन ढूंढना पड़ेगा हमको। अरे अबे गधे, अबे मार, अबे जा, अबे आप हाफ हेड चैलेंज ऐसी की तैसी हो जाएगी, अबे तेरी जॉम्बी की। भाई साहब कृपया यहाँ से जाएंगे, जाने ही नहीं दे रहा जॉम्बी यार। तो हम लोगों की बकेट बन चुकी है और हम लोग अभी गांव का दूध लेने वाले हैं। अरे भाई साहब ये कहाँ से निकला? अरे दूध में से ये लूट निकल गई, देखो यही तो मैं कह रहा था, गांव का मिल्क लेने पर ओपी आइटम ड्रॉप करेगी गांव। तो आ जाओ देखते हैं कि काऊ और कौन कौन सा लूट दे सकती है। अरे ये कहाँ से निकल रहा है यार इतना सारा माल? ये देखो रॉकेट वगैरह पोषण वगैरह दे रही है, रॉकेट चला के देखते हैं। अरे ये तो वो वाला एलाइट्रा वाला रॉकेट है, एलाइट्रा बहुत दिन से नहीं उड़ाई हम लोगों ने, और रॉकेट देखो क्या जा रहे। चलो गाऊ माता का फिर से दूध निकालते हैं, जो दूध निकालता है मैं पी जाता हूँ, फिर से निकालता हूँ फिर पी जाता हूँ। ये देखो अभी माल कितना मिल रहा है मुझको, लूट देखो कितना मिल रही है। अरे भाई क्या क्या लूट है बे तेरे पास। सो हमारे पास काफ़ी लूट हो चुकी है वैसे अभी देखा जाए तो, और ये चेस्ट भी ड्रॉप करती है, जो चेस्ट दिख रहा है ना आप सबको, ये चेस्ट ऐसे रखोगे तो इसमें से जो माल मिलेगा, मतलब चेस्ट होती हैं जो बेस्चन वगैरह में मिलती हैं, सेबेस्चन वगैरह में जो भी बोलते हो उसको, तो वो वाली चेस्ट भी निकालती है और जिसमें कि हम लोगों को लूट मिलती है। जैसे कि देखो जंगल टेंपल वाली, इसमें हमको जंगल टेंपल की लूट मिली है। सो हमको इसमें से कुछ चाहिए तो नहीं, उल्टा रखे दे रहे हैं जो जो अच्छे अच्छे सामान है ना सब कुछ इसमें रखे दे रहे हैं। और वापस से गऊ माता से लूट निकालते हैं, गऊ माता क्या क्या दे रही है यार, ये तो निकालते ही जा रही, जितना चाहे उतना अनलिमिटेड निकालते रहो, उससे कोई दिक्कत नहीं। सो ये सब मोड अगर आपको भी खेलना पसंद है, आप भी खेलना चाहते हो तो आप मुझको कमेंट करके बोल सकते हो, मैं उसके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा। ओके तो गऊ माता का दूध, इतना दूध पी गया मैं आज तक जिंदगी में, इतना दूध नहीं पिया जितना इतनी देर में पी डाला है गऊ माता का दूध निकाल निकाल के। सो
तो दोस्तों इस समय वॉइस थोड़ा ख़राब आ रही होगी क्योंकि मेरा जो स्वास्थ्य थोड़ा है गड़बड़, इसलिए वीडियो भी थोड़ा लेट हो रही थी। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर लो। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय।